icon to get the latest updates. नमस्कार, मेरा नाम पिंटू सिंह यादव है और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज लाइव। दोस्तों, योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने मुख्तार अंसारी की मौत की जांच पर बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि परिवार की तरफ से मुख्तार अंसारी की मौत को लेकर मजिस्ट्रेटियल जाँच की मांग की गई है और इसका आदेश भी दे दिया गया है। परिवार की तरफ से अगर और भी किसी की जांच होगी तो सरकार उसके लिए भी कटिबद्ध है। मुख्तार अंसारी के परिवार से संवेदना प्रकट करने के सवाल पर ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि विचार करेंगे और उस पर बातचीत हो रही है। ओम प्रकाश राजभर ने आगे कहा कि यह सरकार कानून के राज में चल रही है, जिसको जहां से सुकून मिले उस एजेंसी से जाँच कराई जाएगी। अगर परिवार के लोग चाहते हैं तो CBI जाँच पर विमर्श किया जाएगा। वहीं बात करें तो चुनाव को लेकर कहा कि जनता लड़ रही है चुनाव। बांदा जिला अधीक्षक को जान से मारने वाली धमकी पर राजभर ने कहा कि अगर एप्लीकेशन आता है तो धमकी देने वालों पर कार्रवाई होगी, इसके लिए सरकार कटिबद्ध है। वहीं सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के PDA के टूट में असदुद्दीन ओवैसी और पल्लवी पटेल की तरफ से UP में तीसरे मोर्चे PDM के निर्माण पर राजभर ने कहा कि कोई भी लड़ाई नहीं है, यह जनता चुनाव लड़ रही है। ED अब स्वतंत्र होकर कर रही है काम। CBI और ED, ओम प्रकाश राजभर ने कहा है कि CBI और ED आम लोगों के घर क्यों नहीं जाती है, जिसका घर पैसा है उसी के घर यहाँ जाती है। झारखंड में नोटों की गिनती करते करते मशीन गर्म होकर बंद हो जा रहे हैं। 35,000 करोड़ रुपए बरामद हुए। इस पर कहे कि ED वहाँ क्यों चली गई, पहले ED को काम करने नहीं दिया जा रहा था, अब स्वतंत्र होकर जो है वो काम कर रही है। वहीं बात करें तो उन्होंने ये भी कहा कि जेल में शरीफ लोग थोड़े जाते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ जेल में ट्रांसफर और जेल में केजरीवाल के पड़ोस में छोटा राजन सहित नीरज बवाना और आतंकवादियों के होने के सवाल पर ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि जेल में शरीफ लोग थोड़े न जाते हैं, जिनके ऊपर मुकदमा लिखे जाते हैं वहीं जाते हैं। यह लोकतंत्र का सिस्टम है, जो पकड़ में आएगा उसे जेल जाना होगा। बाकी जिस तरीके से ओम प्रकाश राजभर ने मुख्तार अंसारी को लेकर तमाम लोगों पर निशाना साधा है, उस पर आप क्या कहेंगे बताइए। धन्यवाद।